अब तक आपने देखा। आपको लाइव देखा है? अच्छा अच्छा धन्यवाद भाई। बाकी अच्छा लगा, मतलब बहुत सही स्वभाव। रियल में इतने ब्लॉगर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक, मतलब जैसे तीन नदियां मिलती ना त्रिवेणी, इतने ज्यादा ब्लॉगर मिल गए, ब्लॉगर ही नहीं हो गई। तो दोस्तों ये सब लोग भाग चुके हैं मेरे को यहीं छोड़ के। बारह सिंगा क्या है? इस साइड को देखो कितना खतरनाक हुआ पड़ा है, और इस साइड पे पक्का बाघ रहता होगा भाई, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू आपका रामायण का पार्ट चालू किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्के से सिनेमैटिक के साथ पे, और अभी हम आ चुके हैं आपका मंदिर से थोड़ा आउट पे, क्योंकि भाई मंदिर में पढ़ते पढ़ते और सुबह से हम थक चुके हैं। मतलब रात भर हमने पढ़ा, 3:30 बजे के आसपास हम मतलब फिर मैं थोड़ा सोया था, फिर उठ के फिर एडिटिंग वगैरह करी, अभी वापस हम जाएंगे मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देखो भाई लोग सब खड़े हैं, रील वगैरह बना रहे हैं और मज़ा आ रहा है भाई। तो अभी आज भंडारा भी है यहाँ पे, तो फुल व्लॉग देखना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको हम मिलाएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम आ रखे हैं थोड़ा रोड पे, क्योंकि यहाँ पे एक भाई है हमारे यूट्यूबर भाई, उनकी थोड़े बाइक में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आपका सेल्फ नहीं ले रही है, ऊपर से इसमें किक आती नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है भाई आपका आर एस में। इसकी बैटरी बिल्कुल लो पड़ी है, डाउन पड़ी है, तो ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है। कितना गियर में उठा लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं हो रहा, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं इसको। और बाकी आज का जो ये एपिसोड देख रहे हो आप, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले दिन में रोहित भाई से मीटअप था, दूसरे दिन में हमने रात को आपका अखंड रामायण की थी, देन आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है मस्त करके, भंडारे का दिन है आज, तो बने रहो व्लॉग में एंड तक, और इसको भी देखते हैं हम क्या करते हैं एंड तक। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस से मंदिर की ओर को, और वहां से हमको वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे एग्जाम है तो मुझे हो रही है लेट। थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और बाकी ये हरियाली को देख के मूड होते रह रहा है फ्रेश, हमारा मजा भी आ रहा है। और अभी रोहित भाई है नहीं यहाँ पे, जैसे वो आते हैं उनको मिलते हुए चलते हैं। और भंडारे में आज हम शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यार जाना भी जरूरी है, फिर भंडारे में भाई 1:30-2 बज जाएगा, तो फिर कॉलेज जाने में देर हो जाएगी, और कॉलेज तो भाई बहुत दूर है। गौतम भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे अगर बाघ आ गया तो भाई साहब सबसे पहले मैं भागूंगा करके ना। और मेरी स्प्रिंट है कि मैं 12 सेकंड में तो 100 मीटर कवर कर ही लूंगा। तुम्हारे भाई का 11 सेकंड है ब्रो, वोल्ट को फेल करोगे ना? वोल्ट को हुसने वोल्ट को अरे यार, तो क्या तुम पहाड़ी हो क्या? तुम डर रहे हो या झसकी रहे हो? ये हम झसका रहे हैं या झसक जा रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं यार भाई, अरे यही गौतम भाई हगने आते हैं यहाँ रोज रोज साले क्या बोल रहे हैं तू? तो गौतम भाई यहाँ सोच करने आते हैं क्या? क्या तुमने भी कभी किया है ऐसा? मैंने नहीं कर रखा, मैं सोच नहीं जानता। क्या बोला तूने? मैं सोच नहीं जानता। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत की मुहिम में हम जुड़ेंगे अपने पीएम मोदी के साथ। 1 hour later दोस्तों अभी हम जंगल से एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे, और वापस से चलते हैं मंदिर की ओर को, ऐसा मजा आ गया बिल्कुल जंगल में आके। ओ माय गॉड, और यहाँ पे आ चुकी है अपनी मेन रोड, और बाकी एक दो भाई है पीछे, एक दो भाई यहाँ जंगल से निकल रहे होते हैं, और हमें यहाँ पे एक और मंदिर दिखता है, देखिए यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे कितना मस्त है, ये देखो यहाँ पे पानी बह रहा है, मंदिर पे जाने से पूर्व आप यहाँ पे पांव धो सकते हैं। तो भाई साहब इसमें ठंडा ठंडा, ओ भाई बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ज्यादा, और देखो कितना साफ है, नीट एंड क्लीन जा रहा है, देखो भाई साहब मस्त करके। ये स्रोत का पानी है, तो जितना भी स्रोत का पानी होता है हमारे उत्तराखंड में भाई, एक नंबर का उसका टेस्ट भी, एक नंबर का उसका टेस्ट भी आता, मीठा मीठा बिल्कुल। देख रहे हो अपने गौतम भाई अपने सिक्स पैक दिखा रहे, एक बार दिखाओ तो भाई सिक्स पैक, ये देखो मेरा, ये कैसा पैक है, ये देखो सिक्स पैक, ये देखो डोले शोले 16 का डोला।
नजर न लगा किसका बच्चा खो गया यहाँ पे ये नहाने के लिए यहाँ पे आ गया भाई भाई जहाँ पानी मिलता है मैं वहाँ घुस जाता हूँ। ये भाई साहब पानी जहाँ मिलता है वहाँ घुस जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे घुस चुके हैं जंगल के अंदर पानी के अंदर। तो भाई साहब यहाँ पे चलती है व्लॉगिंग, तो हम भी थोड़ा करते हैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वापस से मंदिर की ओर को। मंदिर मतलब जहाँ पे हो रहा है भंडारा, यहाँ पे अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। और जो पंडित जी हैं रोहित भाई उनके यहाँ का, ये भी व्लॉगर हैं देखो, और रोहित भाई उनको भी गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से व्लॉग बनाते हैं। देखो ये पंडित जी ऑन फायर। झरने के लिए हेलमेट चाहिए होता है यार। तो भाई साहब हम जहाँ जा रहे थे हम जा नहीं पाए थे झरने के बारे में। बाकी रोहित भाई बता रहे हैं कि वहाँ थोड़ा और डीप जाना था हमको अगर झरने को देखते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे दोबारा से झरने को देखने। देख रहे हो भाई साहब पंडित जी यहाँ पे हवन करते करते आपका यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो भाई साहब और बाकी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने के, लेकिन भाई साहब रोहित भैया कह रहे हैं कि बिना भोजन करे बिल्कुल नहीं हिलना है यहाँ से। यार कैसे होगा अभी देखते हैं, जो भी होता है आप देखते रहो व्लॉग, पता चल जाएगा आपको। तो पंडित जी आप व्लॉगिंग करते हैं? किस नाम से आपका चैनल? पंडित जी व्लॉग। अरे बढ़िया, पहली बार देखने को मिला कि पंडित जी यज्ञ करते हुए आपका व्लॉग भी कर रहे हैं। एक काम दो साथ। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जय हो, धन्यवाद भाई साहब। देख रहे हो डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल पंडित जी भी मिल चुके हैं हमें यहाँ पे, जो कि रोहित भाई को फॉलो करता है, तो दैट्स व्हाई ये भी यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं हवन करते हुए। बाकी अपने उधर वीडियोग्राफर देखो। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रोहित भाई का एज अ वीडियोग्राफर, उनके कंटेंट शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रोहित भाई हेलो। ये देखो भाई साहब के भी सिनेमेटिक लेना 8-10 और रील के भी अच्छे सिनेमेटिक लेना, ठीक है? एक रील लाने वाली बात। बिल्कुल भाई साहब, तो रोहित भाई की थोड़ा वीडियो शूट करते हैं, देन आपको मिलता है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हमारे गर्मा गर्म आलू के गुटके, और यहाँ पे सारे यूट्यूब कम्युनिटी बैठी है अपनी, और इसको खाएंगे हम, प्रसाद लेंगे, और यहाँ पे सूजी अभी आएगा पूरी वगैरह, तो लेते हैं। तो दोस्तों हमने मस्त तरीके से यहाँ पे दर्शन कर लिए भगवान जी के, और भंडारे भी का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है मस्त तरीके से। और अभी हमारा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, अलविदा करने का हमारे रोहित भैया को, और बहुत अच्छा लगा रोहित भाई से मिलकर। हम लोगों ने रील नहीं बना पाया यार, इसका बड़ा मलाल हो गया सच में। मेरे को ना एक तो रील बनाने आती नहीं, इसको रील बनाने आती है, और मैं इतना बिजी हो जा रहा हूँ। आप इसको फटाफट से दोबारा मेरे घर भेजो, अभी मुझे रामनगर भेजो, ताकि अच्छी अच्छी रील बनाए हम लोग, ठीक है भाई? बिल्कुल बढ़िया। और रोहित भाई अभी बहुत इंगेज हो रखे हैं, तो मैं ज्यादा अभी समय लूंगा नहीं इनका, सब्जी बांटने में। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको अभी अलविदा करते हैं। ओके बाबा। तो दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट से रामनगर की ओर को, फिर रामनगर से मैं जाऊंगा कॉलेज को, क्योंकि भाई साहब आप सभी को पता है एग्जाम मेरे आ चुके हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं यहाँ से, देन जाएंगे धामपुर। ये आलू कौन लगा के चले गया भाई? तेरी चप्पल है? हाँ, तू ही तो नहीं था। चूना जरूर लगाने का काम है, लेकिन आलू नहीं लगाता भाई। इनकी बातों पे जाए हम, हर कोई कहते इनकी बातों पे ना जाए, मैं कह रहा हूँ इनकी बातों पे जाए। और ऐप दिखाओगे क्या? जो की है ही नहीं। ये देखो भाई एक ही ऐप है, सिंगल ऐप है, आप समझ सकते हो कौन सा वाला ऐप है। फैमिली पैक। 1 hour later। और अब तो भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा मुझे कॉलेज तक पहुंचने में, तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। गाइस अभी मुझे मिल चुका है यहाँ पे ऑटो, और ऑटो में यहाँ से आपका टाइम लगेगा मात्र 10 मिनट। 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे रामनगर पे, और भाई रामनगर जाके मुझे ना जल्दी से बस में बैठना पड़ेगा, ताकि मैं टाइम से पहुंच सकूं। तो देखते हैं अभी बस कोई है हो या ना हो, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। वेल गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं आपका रूम पे, और भाई साहब बहुत थक चुके हैं आज, और भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के ब्लॉग थोड़ा आपका हमारा रूटीन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम भी आ चुके हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।